हम लोग तो काम करते ही धीरे धीरे सब तापमान ठीक हो जाए, माहौल पैदा कर के चलते बांटने की कोशिश, लेकिन अब नतीजा सामने है, सब लोग सोचेंगे काम तो सबके लिए करते हैं और स्वयं काम करेंगे। चलिए बहुत धन्यवाद ठीक है सर। अरे जिसका हो गया चुप रहो ना, हम करेंगे हो गया स्थिति खराब हो बिहार में, आदत है बयान देने की वो सब जगह, लेकिन हम लोग तो बयान वाले नहीं ना है, हम लोग तो काम वाले, मतलब काम करते हैं तो पूरा कमिटमेंट के साथ करते हैं। और एक बार जान लीजिए, कानून का राज हम लोगों ने कायम किया, और कानून के राज का मतलब हम लोग तो किसी को आज तक फंसाए नहीं और किसी को बचाए नहीं, कानून के मुताबिक काम होता है तो ये काम तो चलता है और पूरी प्रतिबद्धता से चलता रहेगा जन सेवा के लिए। और ये बार बार हम लोग कहते हैं, हर इलाके का विकास किया है और समाज का जो तबका किनारे पड़ा हुआ था उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। अब इस इलेक्शन में क्या अलायंस बनाने की कोशिश की, आप जरा सोच लीजिए, यानी जो काम हम लोगों ने किया, महादलित, दलित, अति पिछड़ा वर्ग, महिला और कास्ट फैक्टर पर आप जनता के बीच में जाइएगा और हम लोग काम के बल पर गए तो आपने देख लिया कि काम के आधार पर जनता का मत प्रकट हुआ, लोगों ने अपना मत प्रकट किया। ये तो नहीं कह सकते आपको नहीं खींचा, पॉलिटिक्स करना चाहिए तो बिहार में उस प्रकार का उनको समर्थन पिछले चुनाव सब लोग सोच रहे हैं, अपना सोच रहे हैं और एनालिस्ट को भी हम कहेंगे जरा सोच ले कैसा कैसा एनालिसिस हो रहा है। क्या करो भाई, पिछले चुनाव में आपका सड़क, साइकिल, पोशाक ये सब काम किया था, इस चुनाव एक सवाल है और याद कर लीजिए ना भाई 2010 का क्या परिणाम हुआ था, मोदी के नाम का कितना असर हुआ। सुशील जी यहीं रहेंगे या दिल्ली जाएंगे, आप सिफारिश करेंगे। यार सुशील जी मुस्कुरा रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। अरे मेरा बंद हो गया, ऑन है, ऑन है, यहाँ देखो। अच्छा, इनमें काबिलियत है, तुम्हारा बंद हो गया क्या? इनकी काबिलियत क्या थी? काबिलियत तो पूरी है, कोई जीएसटी में आप ही बल भेजवाए थे। बताइए कुछ अपना जो आज हमारी काम करने की जो काम योगदान है, बात कर सकते लेकिन किसी चीज के बारे में निर्णय ले रहा है नहीं। जीएसटी में आप ही भिजवाए थे इनको, जीएसटी में आप ही बनवाए थे ना अभी। और अब काम को और बेहतर ढंग से हम लोग आगे बढ़ाए, बिजली का या जिस चीज का भी, अब हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, देश भर का जो हर घर शौचालय का वो भी हम लोग बापू जयंती के अवसर तक इसको पूरा करने का लक्ष्य हम लोग, महिलाओं को रिजर्वेशन 35% सरकारी सेवा में हमने दिया, टेक्निकल एडुकेशन के लिए मजबूरी में किसी को बिहार में नहीं जाना पड़े, कितने इंस्टीट्यूशन हम लोग बना रहे हैं, हायर एडुकेशन को बेहतर और बनाने के लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की तरफ से लोगों को मदद दे रहे हैं, हर ग्राम पंचायत में हम लोग अब हायर सेकेंडरी स्कूल, उच्च माध्यमिक विद्यालय बना रहे हैं। और इसका क्या भी था जो फर्स्ट 10 ईयर, सेकेंड 10 ईयर में जो काम किया उसमें तो सबके लिए काम किया, हम लोगों ने क्या अल्पसंख्यक समाज की कभी उपेक्षा की, लेकिन भाई वोट डालने के लिए तो हर व्यक्ति को अपने ढंग से कोई सोचता है और मतदान करता है, लेकिन हम लोगों ने तो सबकी सेवा की। किशनगंज की एक सीट हारने का, किशनगंज की एक सीट मामूली बात है कि अब तक रिपोर्ट आ रहा उसमें 3.25 लाख के करीब वोट आ गया है, ये साधारण बात है किशनगंज। आप ये सोच रहे हैं आज तक किसी को 3.25 लाख हुआ है वहाँ वोट,
आप जरा सोच लीजिए, ये मामूली बात नहीं है। अल्पसंख्यकों का समर्थन कोई खास बात नहीं है। अल्पसंख्यकों का समर्थन है, इसका मतलब आपको का समर्थन नहीं मिलता 3,25,000 के, इसका असर दिखेगा अगले विधानसभा में, शपथ ग्रहण में जाएंगे। और कुछ सोचिए, और काम को मान्यता देकर, काम को मान्यता अगर जनता देगी तो परिणाम सामने आएगा, तो परिणाम तो आ गया, तो इम्पोर्टेंस तो काम का ही है। बाकी जो सोसाइटी को बांटने की कोशिश, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को चलाने की जो कोशिश है, वो तो अब आप देख रहे हैं, समीकरण टूट गया पूरा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एमवाई समीकरण पूरी ध्वस्त हो गया? नहीं, हम बता रहे हैं, आप ही एनालाइज करिए। एनालिसिस करना मीडिया का काम है और जो विशेषज्ञ है उनका काम, लेकिन मीडिया तो साफ देख रहे हैं कि काम करने वाली जमात को जनता ने जबरदस्त जन समर्थन दिया, और जो लोग सोच रहे थे पूरा एनालिसिस अपना कास्ट बेस्ड रैंक को जोड़ करके नतीजा निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो आप समझ लेंगे ऐसी कोई बात है। कास्ट फैक्टर नहीं रहा ना, सब लोगों को, सब लोगों के मन से होगा। देखिए कास्ट फैक्टर पीछे से पूछिए, आपने अच्छा प्रश्न पूछ लिया। हम लोगों ने नियम बना लिया और इसके लिए जो एलोकेशन चाहिए बजट का, उसका भी प्रावधान किया। अब सड़क का मतलब सिर्फ सड़क बनाना नहीं है, सड़क का रेगुलर मेंटेनेंस, सड़क का अनुरक्षण, ये उसके साथ साथ चलेगा। और दूसरा चीज है, जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर हम लोग बनाते थे तो उसके फर्निशिंग के लिए उसके बाद बनता था, हम लोगों ने उसमें भी कर दिया कि अगर कोई भी बिल्डिंग बनेगी, चाहे स्कूल के लिए बने या कोई दफ्तर के लिए बने, किसी चीज के लिए बने, या मेडिकल कॉलेज के लिए, किसी चीज के लिए कोई भी दफ्तर बनता है, ये बनता है बिल्डिंग, तो उसके साथ साथ उसके काम के लिए अगर लेबोरेटरी बनना है, फर्निशिंग होनी है, तो सब साथ ठीक है। तो और हम लोगों के पहले टर्म में एक अगर स्कूल बनाया है, लेकिन अप्रोच का साथ साथ नहीं, उसके चलते बहुत जगह अप्रोच रह गया। अब हम लोगों ने तय कर दिया है कि स्कूल या पुलिया अप्रोच के साथ सेक्शन, कोई भी स्ट्रक्चर सैंक्शन करेंगे पूरे फर्निशिंग और सब उसका जो रिक्वायरमेंट उसके साथ करेंगे। सड़क जो पहले से बन गया उसके लिए भी ये नियम लागू करेंगे मेंटेनेंस के लिए, और जो नया बनेगा उसके लिए।